रहे हैं नेक्स्ट टू नाइन न्यूज और मैं हूँ आप सबकी होस्ट तृप्ति। इस वक्त लेकर आई हूँ बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ये खास खबर। बॉलीवुड अपडेट में बॉलीवुड की नाइटिंगेल लता मंगेशकर की हालत को लेकर। लता मंगेशकर की हालत अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई है। अभी भी हालत ऐसी है उनकी कि उन्हें आईसीयू के बेड से बाहर नहीं रखा जा सकता है। ऑक्सीजन सपोर्ट पर लता मंगेशकर को रखा गया है क्योंकि दो दो बीमारियों से पीड़ित हैं, निमोनिया और कोरोना वायरस। 92 की उम्र में लता मंगेशकर की सेहत की दुआएं पूरा हिंदुस्तान कर रहा है। आज इस लता मंगेशकर की बीमारियों के साथ हम आपको बताएंगे वो पहली दफा जब लता को बिस्तर में महीनों गुजारना पड़ा था। तड़प तड़प कर कैद थी वो घर पर, डर गई थी वो क्या वो कभी गाना गा पाएंगी। ऐसा कौन सा हादसा है लता की जिंदगी से जुड़ा, आइए बॉलीवुड रिपोर्ट इस शो में हम जानते हैं लता को लेकर ये बात। देखिए रिपोर्ट। स्वर कोकिला लता मंगेशकर अपनी जिंदगी में इस वक्त जो है सो आईसीयू में भर्ती होकर जिस परेशानियों का सामना कर रही हैं, इस परेशानी से स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निकल पाना आसान तो नहीं है, लेकिन इस परेशानी में भी डॉक्टरों ने हिम्मत नहीं हारी है। डॉक्टर लता मंगेशकर को इस परेशानी से बाहर निकाल कर ही रहेंगे, इस तरह की बातें लगातार हो रही है। आज लता मंगेशकर न्यूमोनिया से पीड़ित है, कोरोना वायरस से पीड़ित है, लेकिन हिस्ट्री ऑफ एलिमेंट रहे हैं लता मंगेशकर की। आपको बताना चाहेंगे इससे पहले उन्हें किन किन बीमारियों ने घेरा, कितनी बार घेरा और कैसे हर प्रॉब्लम से निकलती रही है लता मंगेशकर। क्रिटिकल हेल्थ कंडीशन रहा था लता मंगेशकर का जब वो वेंटिलेटर पर थी। नवंबर का महीना था साल 2019 और ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट किया गया था। 90 की उम्र में उन्हें महीनों सांस लेने की दिक्कत की वजह से हॉस्पिटल में रखा गया था। डॉक्टरों ने कहा था कि उन्हें लंग में इन्फेक्शन के कारण सांस लेने में दिक्कत रही है। अब दोबारा से निमोनिया और कोरोना से वो पीड़ित हैं, जिसके कारण उनके हेल्थ को लेकर किसी भी तरह की जो है सो रिस्क नहीं ले सकते हैं। क्या आप सबको इस बारे में मालूम है कि लता मंगेशकर की हालत को लेकर लोग काफ़ी ज़्यादा इसलिए भी चिंतित हैं क्योंकि इस वक्त जो है लता मंगेशकर की हालत के बारे में सब जानकर बहुत ज़्यादा परेशान हैं और लोग चाहते हैं कि किसी भी तरह से लता मंगेशकर जो है ठीक हो जाए। हाल बेहाल है, बच्चन परिवार तक उन्हें लेकर परेशान है। लता मंगेशकर की हेल्थ को लेकर आपको बता दें, निमोनिया से पीड़ित और कोरोना वायरस से पीड़ित लता मंगेशकर को जो है सो इस वक्त इंडस्ट्री के तमाम कलाकार जो हैं चिंतित है उन्हें लेकर, क्योंकि पहले भी लता काफ़ी प्रॉब्लम से जूझ चुकी है और ऐसे में लता जो है ऐसे कोई प्रॉब्लम से दोबारा जूझे ना, ये लोग चाहते हैं। हम आपको यहाँ हमारी इस रिपोर्ट में बताना चाहेंगे लता मंगेशकर की बीमारियों के बारे में। एक ही आवाज़ है इस देश की और वो लता मंगेशकर। 100 आवाज़ में लता को टॉप पर हमेशा रखा गया। भारत रत्न लता मंगेशकर, जिन्हें हॉस्पिटल में 12 दिन तक और रहना पड़ेगा आगे भी, यानी कि आने वाले एक वीक तक लता मंगेशकर को हॉस्पिटल में ही रखा जाएगा। क्या आप सबको मालूम है लता मंगेशकर जब रिकवर हो पाई थी उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी। इस बारे में आपको शायद मालूम ना हो, एक बार स्लो पॉइजनिंग का भी शिकार हो चुकी है लता मंगेशकर। जी हाँ, स्लो पॉइजनिंग का शिकार रह चुकी है लता मंगेशकर। बॉलीवुड की नाइटिंगेल कही जाने वाली लता के साथ बहुत ख़राब स्थिति हो चुकी है। उन्होंने रिवील किया था, बिल्कुल सच है कि उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा था और वो इस बारे में बात भी नहीं करना चाहती है। काफ़ी दर्द होता है, शरीर कांप उठता है इस बारे में बात करके। वो उनकी ज़िंदगी का सबसे टेरिबल फेज था साल 1963, जब वो बहुत कमज़ोर महसूस करने लगी थी। ज़िंदगी में पहली बार खुद को बहुत लाचार महसूस करने लगी थी। एक बार तो अपनी वो बिस्तर से भी नहीं उठ पा रही थी, तब उन्हें महसूस हुआ कि वो तो हिल भी नहीं पा रही है। डॉक्टर ने उनका इलाज शुरू किया और डॉक्टर ने तब कह दिया था कि लता अब शायद गाना भी ना गा पाए। ये बहुत मिथ है, स्लो पॉइजनिंग के कारण। डॉक्टर ने फिर उन्हें कहा कि बिल्कुल वो गाना नहीं गा पाएंगी। उनके फैमिली डॉक्टर RP कपूर ने फिर इलाज किया उनका
और फिर से खड़े किया लता मंगेशकर को उनके पैरों पर। जितने भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुए थे उन्हें लेकर सालों कि उनकी आवाज़ वो उनसे छीनी जा रही है, उनकी आवाज़ छीन चुकी है, सारी अफवाहों का विराम लगाई उन्होंने आवाज़ से अपने। स्लोली स्लोली वो रिकवर हो पाई थी। लता ने कहा था, इट वॉज कन्फर्म दैट आई वॉज बींग पॉइजन स्लोली, डॉक्टर कपूर्स ट्रीटमेंट एंड माई ओन डिटर्मिनेशन पुल्ड मी थ्रू आफ्टर बींग बेड रिडन फॉर 3 मंथ्स। 3 महीने तक बिस्तर में तड़पती रही थी लता मंगेशकर, फिर जाकर वो दोबारा से तैयार हो पाई। 3 महीने जब वो बिस्तर में रही तब जाके उनका ट्रीटमेंट हुआ, तब जाके वो इस तरह की परेशानियों से उभर पाई। लता मंगेशकर ने इलनेस के बाद जो है हेमंत कुमार के साथ पहला रिकॉर्ड किया था। लता ने याद किया था, हेमंत दा जब उनके घर आए और उनकी माँ की इजाज़त ली उन्होंने एक रिकॉर्डिंग के लिए, उनकी माँ से उन्होंने वादा किया कि अगर ये शो में वो किसी तरह की स्ट्रेन का साइन होगा तो उन्हें सीधा घर लेकर आएंगे। किस्मत अच्छी थी कि कोई भी स्ट्रेन नहीं हुआ और उन्होंने आवाज़ अपनी नहीं खोई। कहीं दीप जले कहीं दिल, 20 साल बाद के इस गाने को आवाज़ लता मंगेशकर ने हेमंत कुमार के साथ दिया और इस गाने ने फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता। आपको बताना चाहेंगे, हमेशा लता मंगेशकर को उसकी वजह से काफ़ी डर सताता था, आखिर उन्हें स्लो पॉइजन दिया किसने। उन्होंने कहा था इस बारे में, अगर उन्हें पता चलता है कि किसने ये किया तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। बाद में लता को पता भी चल पाया था कि किसने उनके साथ ऐसी घिनौनी हरकत की थी, लेकिन कोई एक्शन लता मंगेशकर ने नहीं लिया क्योंकि उस आदमी के खिलाफ उनके पास कोई भी जो है सो प्रूफ नहीं था। एक बार तो अफवाहें उड़ी थी, उनके घर के स्टाफ मेंबर में से ही किसी करीबी ने ही ऐसी गलत हरकत की थी, लेकिन लता मंगेशकर के पास क्लियर इस तरह का कोई भी सबूत नहीं था, इसलिए कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसके बाद काफ़ी सतर्क रखा गया। तब से लता मंगेशकर अपने बहनों के साथ, अपने परिवार के साथ रहती है, अकेली वो बहुत रेयर रहती है और स्टाफ मेंबर पर पूरी तरह से वो भरोसा नहीं कर सकती। उनके साथ इस तरह का खिलवाड़ हुआ, उनकी आवाज़ के साथ, जिन्हें स्वर कोकिला कहा जाता है, जिन्होंने हजारों हजार गानों में अपनी आवाज़ दी, हर लैंग्वेज में उन्होंने अपनी आवाज़ दी, इंटरनेशनल लैंग्वेज तक में उन्होंने आवाज़ दी, भारत रत्न जिन्हें कहा गया, उनके साथ ऐसी हरकत हुई जिसके कारण वो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ में रही थी। लता मंगेशकर ने इस बारे में बताया था और वो कांप उठी थी ये बताकर। आज वो फिर हॉस्पिटल में हैं और उनके परिवार वाले बेचैन हैं क्योंकि नर्स और डॉक्टरों के अलावा कोई उनसे मिल भी नहीं सकता क्योंकि कोविड आईसीयू वार्ड में उन्हें शिफ्ट किया गया है। तो आप सबने आज लता मंगेशकर के उस इंटरव्यू को सुना जिसमें उन्होंने कहा है कि वाकई में उन्हें कंपन हो जाती है शरीर में उस दिन को याद करते हुए, उस रात को याद करते हुए जब उनसे कहा गया था कि वो कभी गाना नहीं गा सकती है। ऐसे दिन गुजरे हैं लता के। फिलहाल दुआएं कीजिए कि वो जल्द से जल्द बीमारी से उभर पाए। लेंगे आपसे यही इजाजत, देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज। नमस्कार।